हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ने वाले आज का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और अब हम ऑलमोस्ट हमारी जो ये सीरीज है उस सीरीज के एंड पे आ गए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर बहुत हम ये बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें लर्निंग बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोब्स का मतलब हो गया बैक्टीरिया एंड वायरस, और उसके अलावा फंजाई वगैरह के बारे में भी। रीज़न ये क्योंकि वो हमारे अंदर जो भी डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हीं के बारे में स्टडी जो है वो इसमें दी गई है। फिर हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से इम्यूनिटी शो करती है और किस तरह से इम्यून सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर को पूरे को हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ में आप याद रखिए, क्योंकि जो डिजीज के बारे में कि कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूंगी कि वो चीज, क्योंकि लर्निंग ज्यादा है तो मैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन में नहीं जाकर मैं बाकी जो चीजें हैं उनमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चले जाएंगे, ताकि हमारा आज के दिन के अंदर हम पूरा ये टॉपिक जो है एक पूरा रिविजन हम इसका ले लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में आया है। आप जानते हैं हेल्थ किसको बोलते हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है, टोटल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो वेलबींग का मतलब हो गया मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है और सोशल भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। ये हमारी WHO ने दी एक डेफिनेशन है, जिसमें हम केवल हमारी फिजिक की जो हेल्थ है हम उसी को ही हम फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ हम नहीं मानते हैं। ठीक है, हमारा मेंटली भी हम क्या कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, मेंटल स्टेट भी हमारा सही होना चाहिए, और हमारी सोशली, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो हमारे सोशल लाइफस्टाइल पे या हमारे सोशल रिलेशनशिप पे पड़ता है, तो वो भी क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आर मेंटल हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ आर फिजिकल हेल्थ। सो उसका भी वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम हेल्थ किसको बोल रहे हैं, टोटल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन देयर मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग, उसी को हम हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ का हमारे पास में डेफिनेशन आ गया। अभी देखिए हेल्थ जो होती है वो कैसे अफेक्टेड होती है, यहाँ पे हम फिजिकली जो हमारी हेल्थ है उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डिजीजेज जो है वो डेवलप होती है और हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में। हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है, हमारी हेल्थ किसकी वजह से अफेक्ट होती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ आ जाते हैं, इन्फेक्शन आ जाते हैं एंड लाइफ स्टाइल हमारा। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब तो ये हो गया कि हमारे जीन्स के अंदर अगर हम ये बोल रहे हैं कि म्यूटेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज जो है डेवलप होती है उसको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर बोलते हैं। ये हम ये बोलते हैं बाय बर्थ ही होती है, क्योंकि एक्चुअल में जब गैमेट फॉर्मेशन होना होता है उस टाइम पे मियोसिस होता है, उस टाइम पे समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जीन में चेंजेस आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है एंड देन वो एम्ब्रियो एंड फिटस जो है डेवलप होता है। इट मीन्स जो डिफेक्टेड जीन है वो फिर क्या हो रहा है, हमें कैरी हो रहा है। सेम टाइम अगर किसी जेनेटिकल डिसऑर्डर यो भी हो सकता है, ये तो म्यूटेशन की वजह से हुआ, अगर हमारे पेरेंट में से कोई एक ऐसा है जो कैरियर है किसी डिजीज को लेके, तो होगा क्या, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हो सकता है मे बी वो जीन हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो बाय बर्थ होते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन जो है वो जेनेटिक्स के दौरान किया था, आप लोगों को मालूम है सिकल सेल एनीमिया अगर हम पढ़ते हैं तो वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने और अगर हमने पढ़े जैसे हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा या फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है, तो वो क्रोमोसोमल बेसिस पे हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बट वो सभी क्या है, हम ये बोले बाय बर्थ होते हैं, क्योंकि वो हमारे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज कर देते हैं, वो जीन लेवल पे चेंज कर सकते हैं और वो क्रोमोसोम लेवल पे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया जेनेटिकल डिसऑर्डर। देन आ जाता है इन्फेक्शंस के अंदर हम बोल रहे हैं कुछ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर एज ए पैथोजन जो है वो मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं, ये जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जो हम बोल रहे हैं वायरस जो है वो हमारे अंदर, और कुछ हम बोलते हैं कि हेलिमंथीज भी हैं ऐसे जो हमारे अंदर डिजीज डेवलप करते हैं, तो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और हमारा लाइफस्टाइल,
हम किस तरह का फूड ले रहे हैं, हम किस तरह का वाटर जो है उसका इंटेक कर रहे हैं, हम क्या एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी हेल्थ को जो है ना वो इफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल में चेंज आएगा, आपका बीपी वगैरह जो है उसमें चेंज आएगा, और उनके उनके सिम्टम जो होते हैं वो आपकी स्किन जो होती है उस पर जब पिंपल्स वगैरह आते हैं उससे आपको पता चलने लगता है। आपकी लाइफस्टाइल से मतलब ये हो गया, अगर आप नहाते नहीं होंगे तो आपको स्किन एलर्जी जो है वो डेवलप हो सकती है, तो वो आपका लाइफस्टाइल हो गया। अगर आपने पानी ऐसा पिया जिस पानी के अंदर हम बोल रहे हैं कि हमारे कोई पैथोजन प्रेजेंट है, तो आपने अगर गंदा पानी पिया है तो उसकी वजह से हो सकता है इनडाइजेशन वगैरह हो जाए आपकी, आपको हम बोल सकते हैं कि इनडाइजेशन के साथ में डाइसेंट्री या कुछ और जो है जो डिजीज है वो डेवलप हो सकती है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी इसमें इफेक्ट करता है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं अपने खुद की बॉडी की भी और अपने आसपास के एनवायरमेंट की, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिजीज जो है डेवलप हो सकती है। तो ये तीन मेन रीजन है बेसिक जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिजीज के बारे में आ जाते हैं कि डिजीजेस कितने तरह की हो सकती है। तो देखिए डिजीज दो तरह की है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज हम किसको बोलेंगे कि जो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जो इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास में अगर हम देखें तो एड्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है ये इन्फेक्शियस में आती है क्योंकि ये बिकॉज ऑफ किसी पैथोजन जो है वो हमारे अंदर और बहुत आसानी से वो एक से दूसरे इंसान में भी जो है फैल जाती है। ठीक है, टीबी के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये हो गया कि वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो नहीं फैलती है, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सी आ जाती है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती है। डायबिटीज आप जानते हैं कि वो एक्चुअल में इंसुलिन के नहीं बनने से जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, दैट इज डायबिटीज। कैंसर आप जानते हैं कि हमारी सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यू वो सेल डिवीजन करती है जिसकी वजह से मास ऑफ सेल जो है पर्टिकुलर किसी पार्ट के अंदर फॉर्म हो जाता है जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, दैट इज कैंसर। ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं हड्डियों के अंदर क्षीणता आ जाती है, पोर फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये नॉन इन्फेक्शियस है, जबकि एड्स, इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। अब कॉमन डिजीजेज में सबसे पहले हमारी एक्वायर्ड डिजीज अगर डिसऑर्डर के बारे में हम बात करें, क्योंकि कंजेनिटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेज या एक्वायर्ड डिसऑर्डर के बारे में हम वो बोलेंगे जो हमारे बर्थ के बाद में हमने जिनको प्राप्त किया होता है ना। एक्वायर्ड का मतलब होता है ना कि हमने हमारे बर्थ हमने लिया और उसके बाद में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फिर हमारे सराउंडिंग की वजह से, पैथोजन के हम बोल सकते हैं अटैक की वजह से जो है वो हमारे अंदर जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, दैट इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर। अब इसमें भी दो तरह के हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज से भी आप बोल सकते हो, तो उसमें वही आ जाती है कौन से पैथोजन की वजह से होती है ना, तो डिसऑर्डर किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजन एंड हेलमिंथीज, ये सभी जो हैं ये माइक्रोब्स एंड हम ये बोल रहे हैं हेलमिंथीज भी आ रहे हैं इसमें चूंकि फंजाई भी आ रही है, तो ये सभी जो है ये इन्फेक्शियस हैं, डिजीजेस डेवलप करते हैं, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो है वो डेवलप करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आसानी से फैल सकते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में वो डिजीज आ जाती हैं, ये भी एक्वायर्ड ही हैं, बट ये ड्यू टू एजिंग, एज की वजह से आ जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है एज की वजह से हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर डेफिशिएंसी किसी भी मिनरल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या विटामिन की कमी की वजह से, कि अगर आपने फूड के साथ में उसको प्राप्त मात्रा में नहीं खाया तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो भी क्या है डिसऑर्डर ही डेवलप कर रहा है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल में आ रहा है। कैंसर जो है वो भी नॉन कम्युनिकेबल में है, तो कैंसर इसमें से एक्वायर्ड में है, एक डिजीज आ जाती है। अब देखिए हमारे पास में एक काफ़ी अच्छा मतलब कि चार्ट है लंबा चौड़ा, जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया डिसऑर्डर, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज, फंजाई, हेलमिंथीज, प्रोटोजोन्स, इनसे होने वाली डिजीज के लिए हमने चार्ट प्रिपेयर कर दिए हैं। अब देखिए एक्चुअल में मैं इन चार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाऊंगी, रीजन ये है क्योंकि आपको ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होनी चाहिए। अब टाइफाइड है, टाइफाइड जो है नॉर्मल आप जानते हैं टाइफाइड किस जगह किसको इन्फेक्शन की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ठीक है, टाइफी वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि ये टाइफाइड के लिए पैथोजन है।
अब ये देखिए, ये इसका हैबिटेट का मतलब ये हो गया कि कौन से पार्ट को, बॉडी पार्ट को जो है वो जिसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो वो होगा इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइन को जब ये इन्फेक्शन करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो अफेक्टेड होंगे। तो इनकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि सिम्टम में क्या आ जाएगा, जैसे स्टमक के अंदर पेन है, फीवर आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, ठीक है, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। तो ये सभी सिम्टम्स हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसको डायग्नोस कैसे करना हो टाइफाइड के, तो इसके लिए विडाल टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली इसी तरीके से बनते हैं, इन सब चीजों पे मैच द कॉलम क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, कि आपको पर्टिकुलर, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो आपको बैक्टीरियल डिजीज के सबके नाम पता होना चाहिए, जैसे कि टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है, देन न्यूमोनिया जो है दैट इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से पैथोजन की वजह से हो रही है, तो समटाइम जब आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे निमोनिया, निमोनिया को वैसे याद करने का अच्छा तरीका यह है कि आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वर्ड याद रखा, तो निमोनी वर्ड आ ही रहा है ऑलरेडी पैथोजन के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है दैट इज पैथोजन फॉर निमोनिया डिजीज। ओके, और ये कौन से किसको इफेक्ट करता है, निमोनिया में जो है एक्चुअल में आपके लंग्स जो है उनमें इन्फेक्शन होता है, म्यूकस जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है, कफ जो है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है, हमारी जो एल्वियोली होती है वो भर जाती है किससे, फ्लूड से, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेशन में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, हम ढंग से सांस नहीं ले पाते निमोनिया के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती है, जैसे बुखार है वो आ जाता है, कफ आ जाता है, हेडेक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इसकी निमोनिया की वजह से जो है कलर जो होता है हमारे नाखून का या हमारी स्किन का वो चेंज होने लगता है, इसके लिए हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जो है चेस्ट का जो है एक्सरे भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट है जो इसके लिए किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, तो बच्चा ये है कि ये जो टेबल्स हैं ये आपको लर्न करनी होगी, इन चीज़ों को मैं वापस से बोल के रिपीट करूँ तो वो लगेगा कि रिपीटेटिव है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अगर आप सिर्फ आपको एक चार्ट के तौर पे हमने बता दिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारी बुक के अंदर भी दिया गया है, सारे जितने भी डिजीज हैं उन सबको हमने इसी तरीके से चार्ट के फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया, याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, जैसे डिफ्थीरिया किसकी वजह से होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थरी की वजह से होता है पैथोजन जो है। ठीक है, ये किसको जो है डिफ्थीरिया के अंदर किसको इफेक्ट कर रहा है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी नोज की उसको इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, हमारे गले को, हमारे टॉन्सिल्स को जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये जो है ये डायरेक्टली हम एयर के कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तब ये डिफ्थीरिया जो है वो हमें हो जाता है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सोर थ्रोट हो जाता है, बुखार आता है। ठीक है, और हमारे लिम्फ नोड्स जो है वो फूल जाते हैं, ये जो है एक्चुअल में डिफ्थीरिया के लिए। उसी के अलावा जैसे कि अब और भी कई है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, ये भी वही हमारे इसमें भी छोटे छोटे ट्यूमर जो है ना गांठे बन जाती है। ठीक है, तो लंग्स जो है, लंग्स के अंदर जब मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका इन्फेक्शन जब होता है तब टीबी हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वही कफ आएगा और हमारी बॉडी जो हमारे जो चेस्ट में है उसमें पेन होगा, बोलने में भी डिफिकल्टी होती है, हमारा वेट जो है वो कम होने लग जाता है टीबी के टाइम पे। तो ये है, इसके लिए भी वही ब्लड टेस्ट जो है वो किया जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट जो है वो किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो बच्चा ये देखो, ये पूरी टेबल्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको लर्न ही करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप वायरल डिजीज में आ जाइए, वायरल डिजीज में आपको पता है इन सबके नाम आपको पता होना चाहिए कि वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है। तो देखिए, कॉमन कोल्ड नॉर्मली आपको होता रहता है, दैट इज वायरल। ठीक है, स्मॉल पॉक्स ये जो है ये भी क्या है, वायरल है। इसके साथ में चिकन पॉक्स ये भी वायरल है, मिजल्स, ठीक है, पोलियो एंड डेंगू ये सभी वायरल है। अब इन सब के तो वायरस के, इन सब के वायरस के नाम याद करने में बहुत आसान है, रिनो वायरस कॉमन कोल्ड होता है, ये सबको याद भी है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोगों ने केवल इसी स्टैंडर्ड में नहीं, ये तो बहुत पहले भी हम लोगों ने हर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हैं कि कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स वीरियोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टरा की वजह से चिकन पॉक्स होता है, रूबियोला जो वायरस उसकी वजह से मिजल्स, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो, ठीक है ना। अब ये अर्बो वायरस जो है इसकी वजह से डेंगू होता है। तो ये जो है ये आपको मालूम है, अब इनके होने वाले सिम्टम्स जो हैं वो भी आपको याद रखने होंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स है स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पे भी क्या होता है, चिकन पॉक्स में भी यही होता है कि स्किन पे जो है ना बड़े बड़े दाने आ जाते हैं जिनमें से लिक्विड जैसा है ना फ्लूड जो होता है ना वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है ना, फ्लूड उससे बाहर निकलता है तो उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। और ये जो है इसके लिए पहचानने के लिए ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं, तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए।
डेंगू के लिए हम एलिसा है ना, एंजाइम जो लिंक्ड जो है ना वो टेस्ट जो है, एलिसा टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है वायरस के लिए, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और आप लोग इसको लर्न करना है आपको पूरा। अब मलेरिया आप सबको पता है प्लाज्मोडियम वायरस जो प्लाज्मोडियम की वजह से, नॉट वायरस, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है उसकी वजह से मलेरिया डिजीज हो जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज जो है इसमें काम में आती है, नॉट काम में आती है, कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो मलेरिया डिजीज कॉज करती है, तो उनमें आ जाता है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरिया है, फैल्सीपैरम है, ये है जो स्पीशीज जो मलेरिया डिजीज कॉज करती है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हम इनके नाम याद रखेंगे। इनका वेक्टर किसकी वजह से जो है वो होता है, तो आपको पता है ये एनाफिलीज मॉस्किटो जो है उसकी बाइटिंग की वजह से, क्योंकि वो एक्चुअल में एज ए वेक्टर काम करता है, वो ये जो हम बोल रहे हैं प्रोटोजोन है उसको हमारे ब्लड के अंदर जो है ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसको डायग्नोस करना है तो इसके लिए ब्लड टेस्ट जो है वो करवाना होगा। नॉर्मली ज़्यादातर जितने भी हमारे ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं इन सब के लिए ब्लड टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। अमीबोइसिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, हाउस फ्लाइज जो है वो करती हैं, बिल्कुल गंदा खाना अगर पड़ा होता है तो आपको अमीबोइसिस हो सकता है। अमीबोइसिस की वजह से आप गंदा खाना खाएंगे तो होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, खाना जो है वो हम ये बोल सकते हैं पेट में आपको दर्द होने लगे, एब्डोमिनल पेन होने लगे, क्रैम्स आने लग जाते हैं, और हम बोलते हैं स्टूल जो पास करते हैं वो बहुत ज़्यादा, उसके साथ ही म्यूकस जो है वो बाहर निकलता है, तो हम ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूकस और उसके साथ में ब्लड जो होता है वो भी बाहर निकलता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है नॉर्मली अमीबोइसिस की वजह से, और इसके लिए भी ब्लड टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। तो ये दो ही आपके प्रोटोजोन से रिलेटेड डिजीज दी गई हैं, तो बहुत आसान है इनको याद करना कि इनकी वजह से क्या क्या सिम्टम होंगे, इसको ट्रांसमिट कौन करता है और इसके डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ मैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ये आपका लर्निंग बेसिस पे, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एस्केरियसिस एस्केरिस की वजह से होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको एस्केरिस की वजह से होगा। अब ये आप जानते हैं एस्के हेलिमेंथिस ग्रुप का मेंबर है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है। इसके लिए ट्रांसमिटेशन जो है इसका किसकी वजह से होता है, सॉइल की वजह से, वही कंटामिनेटेड अगर गंदी सॉइल है तो वहां पे उस सॉइल की वजह से कंटामिनेटेड वाटर अगर आपने पानी पी लिया है तो उसकी वजह से, या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाए आपने उसकी वजह से, तो आपको एस्केरियसिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर यानी आपके मसल्स में पेन होने लगता है, बुखार आपको हो जाता है, एनीमिया आपको जो है वो इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से हम स्टूल टेस्ट जो होता है वो हम करवाते हैं एस्केरिस की वजह से, एस्के। इसके अलावा फाइलेरियसिस, फाइलेरियल वॉर्म जो है वाउचेरेरिया उसकी वजह से होता है, और ये किसकी वजह से फैलता है, तो क्यूलेक्स जो मॉस्किटोज हैं वो इस फीमेल क्यूलेक्स जो है वो इसके वेक्टर होते हैं, जो इसको हम ये बोलते हैं कि इसको इनको पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअल में फाइलेरियल वॉर्म जो होते हैं ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रहते हैं, इनकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, और ये कई सालों तक जो है वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसकी वजह से लिम्ब्स और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो हम ये बोलते हैं डिस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, उनको मेन जो है ना वो इफेक्ट ये करते हैं, कौन आपका फाइलेरियसिस, फाइलेरियल वॉर्म होचेरेरिया जो है वो इसको क्या करता है कॉज करता है, ठीक है। इसके लिए पैथोजन है, ये आपको लर्न करना है बच्चा। फिर आ जाती है फंजाई, तो फंजाई की वजह से रिंग वॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये इसके लिए पैथोजन कौन है, माइक्रोस्पर्मम, ये याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये जो है ये पैथोजन है जिनकी वजह से रिंग वॉर्म दाद जो हो जाता है ना आपको वो है ये, ठीक है। अब ये होता कैसे आपको पता है कि आपकी स्किन के ऊपर जहाँ भी दाद होते हैं एकदम रेड सा पैचेस जैसा बन जाता है, ड्राई सी सरफेस होती है वहाँ की स्किन, ऐसे लगता है ना फट गई हो, वहाँ से उतर रही होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या, वही ड्राई स्केली हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे घाव जैसे हो जाते हैं छोटे छोटे स्किन के ऊपर, और हम ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईचिंग खुजली आती है उस एरिया के अंदर, और अगर हम स्किन को देखते हैं तो स्किन को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि हाँ बिल्कुल हमें दाग जो है वो हुआ है, तो रिंग वर्म हुआ है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसको होता किसकी वजह से है, वही है अगर आपने
कोई गंदी मिट्टी है, पौधे वोधे लगाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, मिट्टी का काम ज्यादा कर रहे हैं, तो बार बार आप अपने हाथों से अगर वही काम करेंगे डायरेक्टली, अगर आपने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, तो हो सकता है मे बी वहां पे प्रेजेंट जो आपके हम बोल रहे हैं कि माइक्रोस्पर्मम है, वो क्या कर सकते हैं वहां पे आपकी स्किन के ऊपर दाग जो है उसको डेवलप कर दे, ठीक है। और फिर हम ये बोल रहे हैं कि कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जो किसी और के, अगर किसी के हैं, अगर ये फंगल इन्फेक्शन है और आपने उन्हीं के यूज किए हुए टॉवल्स को यूज कर लिया या उनके कपड़े को अगर आपने पहना है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको दाद हो सकता है, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये दाद जो है और ज्यादा फैलता है, ठीक है, ये इंफेक्शन जो है बढ़ता ही जाता है। तो ये हो गया एक्चुअल में उन डिजीज के बारे में जो होती है किसकी वजह से, हम ये बोले हेलमिंथीस की वजह से, ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स की वजह से, बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से। तो ये जो चार्ट एंड टेबल हमने दिया है ये आपको लर्न करना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आपने बुक लिया है तो बुक में दिया गया, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीजें हैं जिनको आपको याद करनी है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कुछ कुछ डिजीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है, ठीक है, और इम्यूनिटी के बारे में बताया गया, तो उसको हम थोड़ा सा और अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है मलेरिया। मलेरिया बहुत ही कॉमन है, मलेरिया आप जानते हैं कि मलेरिया बुखार जैसे आता है आपके आसपास के एनवायरमेंट में, लोगों के बीच में भी आप कई बार सुनते हैं। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, बड़े आसान शब्द है, आपको याद रखना भी बहुत आसान है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से, जो कि एक प्रोटोजोन होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है, जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। कौन कौन सी स्पीशीज जो होती है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज करती है, तो उसमें आता है कौन सा, वाइवैक्स आता है, फैल्सीपैरम आता है, ठीक है ना, और उसके बाद में मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये जो है, ये स्पीशीज जो है वो क्या करती है, डिजीज कॉज करती है, कौन सी, मलेरिया, जो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। मलेरिया के वैसे तो कई टाइप होते हैं, बट अभी यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि मलेरिया जो है उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि मलेरिया का जो हम बोल रहे हैं कि जो पैथोजन है यानी कि प्लाज्मोडियम, वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो होता है वो दो होस्ट के अंदर अपनी कंप्लीट करता है। अब वो दो होस्ट कौन से हैं, एक तो होती है कौन, फीमेल, वही मॉस्किटो आपकी एनाफिलीस, और दूसरी जो है वो होता है ह्यूमन। अब यहाँ पे ये कैसे अपने लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट करते हैं, तो देखिए लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर कैसे होता है उसका। अब ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल होता है, जब फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो बाइट करती है किसको, ह्यूमन को, जब वो उसको बाइट करेगी तो करेगी क्या, तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो एक्चुअल में एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आप जानते हैं मॉस्किटो एक्चुअल में क्या करता है, आपका खून पीता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मॉस्किटो जब अपना क्या करेगा, फूड लेने के लिए आपको बाइट करेगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वहां पे रिलीज कर देगा किसको, प्लाज्मोडियम को। अब प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म होती है जिसको वो वहां पे रिलीज करता है, वो होती है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट को वो ब्लड के अंदर आपके क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब देखिए एक्चुअल में आपको याद रखने के लिए सबसे आसान चीज है कि कोई भी जो रिप्रोडक्शन का टाइप है कौन सा सबसे फास्ट होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट होता है और बोलते जल्दी जल्दी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इंक्रीज की जाती है, ठीक है। तो मलेरिया के केस में चूंकि इन्फेक्शन, मलेरिया डिजीज हमारे अंदर होनी है, याद रखने के लिए आसानी से हमारे अंदर होनी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे अंदर प्लाज्मोडियम अपनी कौन सी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को, तभी तो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होंगे, वो अपनी ग्रोथ को कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, किसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, ये याद रखिए, कौन सी सेल में, लीवर सेल के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई करता है। तो ये करता क्या है, ये एक्चुअल में रैप्चर कर देते हैं आरबीसी को और रिलीज होता है वहां से हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये टॉक्सिन सब्सटेंस जो होता है हीमोजोइन को वहां पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं, जब वहां पे हीमोजोइन जो है रैप्चर्ड आरबीसी जो होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में आरबीसी को फाड़ रहे हैं तो वहां पे हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, तो वो जो टॉक्सिन सब्सटेंस है वो दूसरी आरबीसी जो होती है उनको क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, उनको इफेक्ट करता है। और इसका रिजल्ट होता है क्या, रिजल्ट ये होता है कि हमें बुखार लगने लगती है, ठंड लग के बुखार लगने लगती है, ठीक है। और हर हमें बोल रहे हैं कि दो तीन घंटे से ना बार बार में ऐसा होता है कि रुक रुक के बुखार आता है और ठंड लग के फिर हमें बुखार चढ़ता है, तो ये चीज हमें फील होने लगती है। तो समझ जाइए कि आपको क्या हो गया है, मलेरिया, बिल्कुल। चलिए फिर लाइफ साइकिल, अगर मॉस्किटो के अंदर अगर हम लाइफ साइकिल देखें प्लाज्मोडियम की, तो वहां पे कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल। याद रखिए स्पोरोजोइट को रिलीज किया है किसमें, ह्यूमन के ब्लड के अंदर, जहां से वो कहां पहुंची है, लीवर सेल्स के अंदर, और लीवर सेल्स में क्या किया, आरबीसी को रैप्चर किया, एसेक्सुअली अपनी ग्रोथ की, आरबीसी से हीमोजोइन रिलीज हुआ, उस हीमोजोइन ने क्या किया, बाकी आरबीसी जो है उनको इन्फेक्ट किया, ठीक है।
देखिए लाइफ साइकिल जो है मॉस्किटो में क्या होती है, यहाँ पे अपनी सेक्सुअल स्टेज जो होती है उसको वो कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअल स्टेज यानी गैमेटोसाइट जो है वो डेवलप होता है किसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर, ठीक है। ये सेक्सुअली किया फिर उसके बाद में जो हम बोले गैमेटोसाइट जो है डेवलप हो जाता है आरबीसी के अंदर। देन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब क्या करती है, ब्लड को सक करती है, तो उस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट गैमेटोसाइट जो है वो किस में आ जाता है, एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर आ जाता है। नाउ ये पैरासाइट जो है वो एंटर करता है कहाँ पे, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, क्योंकि उसने उसको सक किया। एंटर कहाँ करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि उसने अपना फूड लिया है। समझ जाइए ना उसकी बिहेवियर से ही, फूड लिया है, फूड में आरबीसी को लिया है, तो आरबीसी गई कहाँ, उसके गट के अंदर ही तो गई है, तो वो क्या करेंगे, गट के अंदर जाएंगे। जब वहां पे गट के अंदर जाएंगे तो ये गैमेटोसाइट्स जो बन गई थी किसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर। अब ये गैमेटोसाइट क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेंगे, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और स्पोरोजोइट्स जो है देन स्टोर होते हैं कहाँ पे, सेलिवरी ग्लैंड के अंदर। सेलिवरी ग्लैंड में ही स्टोर होंगे, तभी तो क्या होगा, जब वो डंक मारेगी तो अपने सेलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, जब लार कुछ वहां पे सलाइवा को छोड़ेगी तो उसके साथ में कौन चला जाएगा, स्पोरोजोइट जो है वो भी चला जाएगा किसके अंदर, आपके, हम ये बोल रहे हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड के अंदर ये स्पोरोजोइट इकट्ठे होते हैं। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है, आप वहां देख सकते हो। मॉस्किटो ने जब क्या किया, ह्यूमन जो ह्यूमन को बाइट किया, तो वो अपने स्पोरोजोइट को क्या कर देते हैं, ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। जब ये स्पोरोजोइट जो है वहां पहुंचते हैं कहाँ पे, लीवर के अंदर, ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद में ये एसेक्सुअली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब ये एसेक्सुअली बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से आरबीसी फट जाती है और वहां से एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज कौन सा होता है, वो हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन जो है बाकी जो दूसरी, हम ये बोल रहे हैं कि आरबीसी सेल्स होती है उनको ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। पैरासाइट जो है भाई रेड ब्लड सेल्स के अंदर एसेक्सुअली क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ जो है उनको इंक्रीज कर रहे हैं। अब बार बार क्या होता है, ये साइकिल चलता है, तो उसकी वजह से फीवर, ठंड लग के बुखार जो है ना वो हमें चढ़ता है, ये सिम्टम है जो नजर आता है। अब ये पैरासाइट जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये पैरासाइट में एक जो है वो मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह गेमेटोसाइट बनाते हैं, और यही गेमेटोसाइट जो है जब वापस यहाँ पे मच्छर ने जब काटा है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गैमेटोसाइट एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, इसकी मच्छर की उसमें गट के अंदर। वहां गट में जाने के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में देन ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन बनाएंगे स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स क्या है, स्पोरोजोइट आगे जाके यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले स्पोर्स ही तो है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ये। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, मॉस्किटो के अंदर, एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इम्यूनिटी क्या है, मलेरिया तो हो गया, ठीक है, हमने एक इंफेक्शियस डिजीज जो है उसके बारे में ले लिया। आगे हम जो डिजीज पढ़ेंगे वो हम ये बोले कि इंफेक्शियस है, एड्स जो है वो इंफेक्शियस है, एंड देन कैंसर जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले इम्यूनिटी के बारे में, कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से इम्यूनिटी शो करती है किसी भी एंटीजन को लेकर। एंटीजन हम किसको बोलते हैं, एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हम बोल सकते हैं सेल हो सकती है या कोई बॉडी पार्ट हो सकता है जो फॉरेन, जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो फॉरेन हम ये बोलते हैं कि पार्टिकल जो है उसको वो एज ए एंटीजन बिहेव करेगा। एंटीजन एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड हो गया उनका, उनका पहचान पत्र हो गया कि हम उसको पहचाने। अगर वो एंटीजन जो बाहर से अंदर आया है वो हमारे ही बॉडी का है तो हम उसको पहचान जाएंगे उसका आइडेंटिटी कार्ड देख के, यानी उसका एंटीजन जो है वो देख कर कि हाँ ये कौन सा एंटीजन है। कई बार हो सकता है वो फॉरेन एंटीजन हो जो हमारी बॉडी का नहीं हो, है ना, उसका आइडेंटिटी कार्ड देखते तो पता चलता है कि नहीं भैया ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, तो हम उसको पैथोजन मान लेते और पैथोजन पालते, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। पर इम्यूनिटी हमारी बॉडी किस तरीके से शो करती है या किस तरीके से हम इम्यूनिटी को एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है कि आखिर इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, ये जो माइक्रोब्स हैं या फिर ये जो पैथोजेंस हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है, उनसे फाइट करता है ना, ये हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये जो फाइट करने की जो एबिलिटी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनिटी बोल रहे हैं, ठीक है।
अब इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी है? एक तो आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी, आसानी से याद होने वाला शब्द है, और एक होती है हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है? ये दोनों आसानी से याद करने वाले शब्द है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह की हो सकती है। आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी बोल सकते हो इनेट इम्यूनिटी को, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। दूसरा शब्द जो दिया गया है उससे इनकी डेफिनेशन हमें समझ में आ जाती है। अब देखिए कैसे, इनेट इम्यूनिटी, कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी हमें दे दिया, इसका मतलब ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती होती है ना, कोई इम्यूनिटी या कोई हमारे अंदर एबिलिटी जो हम बर्थ के साथ ही लेकर पैदा होते हैं उसको हमने इनेट इम्यूनिटी में रखा है। एक्वायर्ड यानी जो हमने प्राप्त किए यानी बाद में, अडेप्टिव भी वर्ड आ गया यानी कि जो हमने अडेप्टेशन हुआ है हमारे अंदर, जो चेंज आया है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आया हो, एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब किसी ने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी हो या फिर कोई बाहर से पैथोजन आया तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुई हो नई तरह की इम्यूनिटी, हमने जो बर्थ के बाद में जिसको डेवलप किया हो उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनके नाम से ही आप अच्छे से समझ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इम्यूनिटी एक्वायर्ड एंड इनेट, इनेट आप बोल रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ ही आपके अंदर होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है अपने पैथोजन के लिए जो हम हमारे बर्थ के बाद में डेवलप करते हैं, ठीक है? किसी भी एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है नॉर्मली नेचुरली हो रहा है वो तो इनेट में आ गया। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई बाहर से पैथोजन आया देन हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और जो सेकेंड टाइम वापस से वही पैथोजन आया तो उस पहले इन्फेक्शन की वजह से बनने वाली जो एंटीबॉडी थी उसने क्या किया, अब की बार वहां पे फाइट किया तो वो एक्वायर्ड हो गई क्योंकि उस तरह की एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं थी जो उससे फाइट कर सके, वो हमने डेवलप की तो वो एक्वायर्ड में आ जाती है और वो स्पेसिफिक भी होती है किसी भी पैथोजन को लेके, ठीक है? अब देखिए ये जो एक्वायर्ड है ये भी दो तरीके की हो सकती है, या तो पैसिव हो सकती है या फिर एक्टिव हो सकती है। अब एक्टिव एंड पैसिव से कैसे समझेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे समझेंगे? एक्टिव का तो मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन किया और वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसको तो हमने क्या बोला, एक्टिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम जो है पार्ट ले रहा है वो उसको क्या कर रहा है, मेमोरी रख रहा है और उसको डेवलप करवा रहा है। जबकि पैसिव में क्या होता है, पैसिव के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये किसी तरह की एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे अंदर दी जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर रोल प्ले नहीं करता, जबकि इसके अंदर एंटीजन से फाइट करने वाली एंटीबॉडी जो होती है वो बाहर से ही दी जाती है। इसके अंदर क्या, और एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर हम पैथोजन को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, फिर हमारे पैथोजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बन रही है एज ए मेमोरी हम उसकी रख रहे हैं, एंड जब सेकेंड टाइम वापस सेम पैथोजन जब इन्फेक्शन करता है तो वही एंटीबॉडी जो फर्स्ट इन्फेक्शन से बनी थी वो यहाँ पर क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करवाती है, उसको हमने एक्टिव में रखा है, एक्टिव एक्वायर्ड में, ठीक है? ये वैक्सीनेशन के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस की जाती है उसी का एक एग्जांपल है। पैसिव के अंदर हम किसको रख रहे हैं, पैसिव के अंदर ये हो गया कि हमने एंटीबॉडी जो है उसी को बाहर से दिया है हमारे अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसमें पार्ट नहीं लिया, ठीक है? अब नेचुरली तो अगर आप देखेंगे जैसे हमारे जो हम बोल रहे हैं ट्रांसप्लेसेंटल जो पासिस है मैटरनल उसके थ्रू IgG एंटीबॉडी जो होती है ना ये बच्चे के अंदर क्या करती है, पास होती है, एंड देन हम ये बोल रहे हैं कि जो डिलीवरी होती है तब तक ये क्या करती है, ये छह महीने तक जो है ना ये वहां पे जो बोलते हैं प्रोटेक्शन देती है बेबी को, ठीक है? तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो बच्चे का शरीर बना नहीं रहा है, उसका इम्यून सिस्टम नहीं बना रहा है, बल्कि मदर से ये एंटीबॉडी जो होती है वो डायरेक्टली पास हो जाती है किसको, हम ये बोल रहे हैं कि डेवलपिंग जो भी हमारा फिटस है उसके हो, ठीक है? तो वो कौन सी है, IgG, ठीक है, कैपिटल जी है बाद में। तो ये जो है ये किस तरह की इम्यूनिटी होगी, पैसिव। आसान शब्दों में हमने समझाई है, अभी देखिए दोबारा से और हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इनेट इम्यूनिटी को सबसे पहले देख लेते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है। इनेट इम्यूनिटी को हम ये बोले कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है? सबसे पहले जब भी कोई भी बाहर से पैथोजन इफेक्ट वो जब हमारे पे अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो रेस्पॉन्स शो करेगा वो जो है उसको हम क्या बोले, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है? कोई बाहर से ना तो एंटीबॉडी दी गई है ना कहीं बाहर से हमने डेड पैथोजन दिया है, कोई लिविंग नॉर्मल हमारी नेचुरल कंडीशन की वजह से हमारी हम ये बोल रहे हैं माइक्रोब्स ने नेचुरली हमें अटैक किया और हमने देखा हमारी इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया तो उसको हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है? अब देखिए इसके बैरियर कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले जो है स्किन,
स्किन जो है वो क्या करती है, स्किन हमें प्रोटेक्शन दे ही रही है, स्किन हमारी कवरिंग है जो हमें कवर करके रख रही है, जो एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी माइक्रोब्स है जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ऐसे मान लीजिए जैसे सर्दी पड़ रही है और आपने चादर ओढ़ लिया, तो चादर क्या कर रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको पूरा बाहर से कवर कर लिया ताकि ठंड जो है वो आप तक पहुंचे ना। सेम वैसे स्किन जो है वो मेन फिजिकल बैरियर है जो क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्रिएट कर रही है। म्यूकोसा है, बिल्कुल म्यूकोसा जो होती है लेयर जो होती है वो भी क्या है, कवरिंग ही हम बोल रहे इंटरनल कवरिंग है, इंटरनल लाइन होती है ऑर्गन्स की। तो म्यूकोसा जो है वो भी क्या कर रही है, जो है फर्स्ट वही फिजिकल बैरियर जो है वो क्रिएट कर रही है जैसे स्किन बाहर की तरफ से कर रही है। फिर फिजियोलॉजिकल में अगर आ जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल में जैसे कि स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड जो होता है वो वहां पे रिलीज होता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट जो है कई पैथोजन को किल कर देता है अगर फूड के थ्रू आया हो, तो ये फिजियोलॉजिकल हो गया। माउथ में सलाइवा आ रहा है, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होता है, वो भी क्या करता है बैक्टीरिया की वही सेल वॉल को जो है बस्ट कर देता है एंड देन बैक्टीरिया जो किल हो जाते हैं, तो सलाइवा के थ्रू हो रहा है। फिर हमारे टीयर्स, आईज के अंदर जो टीयर्स है उनमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो भी यही कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी इनइरिटेबिलिटी के ये एग्जांपल्स है कुछ। फिर सेलुलर या फिर फेगोसिटिक में अगर हम बात करें तो देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इसी तरह का काम करती है। इसके अलावा ये नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, एनके सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, ये भी यही काम करती है। और मैक्रोफेजेस जो है ये सभी फेगोसिटिक सेल्स हैं, ये क्या करती है माइक्रोब्स को खा जाती हैं, फेगोसिटिक नेचर की होती हैं। तो ये जो है फेगोसिटिक नेचर का मतलब फेगो अंदर सेल जो अंदर ले लेना एंड देन अपने लाइसो सोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा उसको डाइजेस्ट करवा देना है ना, तो ऐसा काम करती है। तो ल्यूकोसाइट्स, एनके सेल्स एंड मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो इनेट इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट कर रही है। साइटोकाइनिन जैसे कि इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जो है वो हमारी सेल्स जो होती हैं वो एक प्रोटीन को सिक्रेट करती है जो कि वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, तो वायरल जब हमें इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरॉन रिलीज होता है सेल्स के थ्रू जो वायरस को किल करता है, जो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है, इम्यून सिस्टम हमारा रेस्पॉन्ड करके इनको रिलीज करता है। एंड कीमोकाइनिन्स जो है वो अनदर एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद भी करना है कुछ चीज़ें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने वही बोला मेमोरी बेस्ड है, स्पेसिफिक होती है किसी भी पैथोजन को लेकर। और यहाँ पे देखिए ये पैथोजन स्पेसिफिक है, कोई भी पैथोजन जो है बाहर से जब आएगा तो वो उसके रिस्पॉन्ड में उसकी मेमोरी रखेगी और उसके लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम बना लेता है। सेकेंड टाइम जब वही पैथोजन वापस एंटर करेगा तो देन हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है फर्स्ट इन्फेक्शन की वजह से वो वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, तो व्हेन द बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है, एंटीबॉडी बना लेती है उसके अगेंस्ट, सेकेंडरी रिस्पॉन्स उसकी मेमोरी रखेंगी, देन जब सब सब सेकेंड टाइम वहां पे जब वो क्या करेंगी, वो वापस से अटैक करेगा वही पैथोजन, तो देन क्या करेंगे, वही सेम पैथोजन एंटर करेगा तो वह एंटीबॉडी जो पहले बनी थी वो वहां पे अपना काम जो है वो करेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड बोल रहे हैं। एक्वायर्ड के अंदर भी कौन सी बोल रहे हैं, उसको एक्वायर्ड के अंदर भी हम उसको बोल रहे हैं कि वो एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, पैसिव के अंदर ऐसा नहीं होता, पैसिव में एंटीबॉडी ही बाहर से दे दी जाती है। ठीक है, अब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इसके अंदर थोड़े से कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव के अंदर कि कौन सी एक्टिव है कौन सी पैसिव है। ठीक है, तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, ये होस्ट का इम्यून सिस्टम यहां पर रिस्पॉन्स करता है, जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है, होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो पार्ट नहीं लेता। यहाँ पर देखिए वैक्सीन जो दी जाती है, वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, वैक्सीन जो होते हैं वो डेड हम बोलते हैं पैथोजन दिया जाता है या उसके एक्सट्रैक्ट को दिया जाता है जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट जो है वो सेम पैथोजन जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन के थ्रू तो वो डिजीज तो डेवलप नहीं करता, हल्का फुल्का बुखार जरूर आता है लेकिन एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम बना लेता है। जो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन जब होगा तब वहां पर क्या होगा, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या किया जाता है पैसिव इम्यूनिटी में, रेडीमेड एंटी हम बोलते हैं कि जो हमारे एंटीबॉडीज होती है वो दी जाती है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव इम्यून सिस्टम में लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए होता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ना, याददाश्त रखी जाती है उसकी, जबकि यहाँ पर क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर शॉर्ट लिव्ड होता है, लेस इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में इम्यूनिटी जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी लेट डेवलप होती है क्योंकि एक्चुअल में ये लैग फेज के बाद में, क्योंकि आपने नॉर्मली हमने पढ़ा है ना कि कोई भी
सेल जब ग्रोथ करती है तब कैसे आती है, लैग फेज आती है, लोग फेज आती है, देन स्टेशनरी फेज आती है। लैग फेज वो फेज होती है जिसमें वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग्स को समझती है। हमने इसको वैक्सीन दिया तो वैक्सीन होने के बाद में क्या हो गया, वो लोग फेज आएगी, उस टाइम पे तो क्या होगा वो फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, बट लैग फेज होगा तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या है कि उस टाइम पे हम बोलते हैं इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप नहीं होती है, वो अपने सराउंडिंग को तब समझ ही रही है। ठीक है, बस यही है कि ये मेमोरी बेस्ड है, ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, ये आप जानते हैं कि लंबे टाइम के लिए होती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल है, और इसके अंदर एग्जांपल है जैसे कि क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम जो होता है उसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है। देखो बच्चे ये यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कई बार और आप लोग यही याद नहीं रखते कि कौन सी एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्लोस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर से, जो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो मदर के मदर की मेमोरी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसी के साथ में आ जाते हैं कि हमारी हमारे अंदर जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो दो दो तरह की लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अब ये बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं ये एक्चुअल में क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं किसी भी पैथोजन के रेस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है ये एंटीबॉडी जो होती है ना उसको तो नहीं हम ये बोल रहे हैं कि सीक्रेट करती है, बट ये खुद क्या करती है, हेल्प करती है बी को ताकि कि वो क्या करे, एंटीबॉडी को बनाए, यानी टी यहाँ पे बी को हेल्प करेगी। टी जो होती है एक्चुअल में ये मैच्योर होती है थाइमस के अंदर, बी को हमने बी इसलिए बोला है क्योंकि ये मैच्योर होती है कहाँ पे, बोन मेरो के अंदर। बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो एक्चुअल में ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करती है जबकि ये सेल मेडिएट करती है। ठीक है, सेल मेडिएट क्यों, यहाँ पे ये ह्यूमरल क्यों बोला है क्योंकि ये एंटीबॉडी जो होती है ना ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं जो बी लिम्फोसाइट सेल्स की तरफ से होता है, जबकि सेल मेडिएट होता है किसका, टी लिम्फोसाइट का। ठीक है, तो ये बी एंड टी में कुछ डिफरेंसेस है। अब एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जानते हैं एंटीबॉडी जो है वो क्या है, प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो चेन होती है, एक तो होती है कौन सी, हैवी चेन होती है, दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, H2L2 लिखते हैं ना, क्योंकि इसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन प्रेजेंट होती है। दोनों चेन एक दूसरे से किससे जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है। ये देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके टिप में देखो ये वो एरिया है जहां पे एंटीजन बाइंड होता है, तभी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ना। कोई भी एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन जो है उसके काम को कैसे रोकती है, क्योंकि वो एंटीजन को अपने साथ में बाइंड कर लेती है ताकि एंटीजन अपना जो भी डिजीज कॉज करना है या जो भी हार्मफुल इफेक्ट करना है वो ना कर पाए। ठीक है, तो ये प्रोटीन का वो एरिया, प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन ही है ये मॉलिक्यूल एंटीबॉडी, यहाँ पे का वो एरिया जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है। तो कई बार ये डायग्राम देकर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। ठीक है, ये कुछ एंटीबॉडीज हैं जो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होती है उसी के लिए चार्ट हमने दिया है। रीजन ये है क्योंकि इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये याद नहीं रहता है, तो अभी याद रख लीजिए। IgG ये बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है, IgA ये बॉडी सरफेस को, IgM बॉडी ब्लड स्ट्रीम को, IgE ये मेडिएट करता है हाइपर सेंसिटिव रीजन को, IgD एक्टिवेशन करता है किसका, बी लिम्फोसाइट सेल्स का। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो चार बार जब आप रिपीट करेंगे या जगह जगह अलग अलग जगह पे जब इनके नाम पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या है, तो देखिए जब वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, वैक्सीन वही है, कोई वीकेंड या तो पैथोजन दिया जाता है या फिर हम बोलते हैं इनएक्टिव जो पैथोजन है वो दिया जाता है। पैथोजन ये वही तो है जो हम जिसको हम क्या बोले, एंटीजन है, एंटीजन तो हमें बोले ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इन टू द बॉडी। वैक्सीनेशन के टाइम पे यही होता है ना, पोलियो है, पोलियो के अंदर वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, वो ड्रॉप देते हैं, तो वो ड्रॉप है क्या, वो एक्सट्रैक्ट ही तो है, किसका एक्सट्रैक्ट है भाई, वो एक्सट्रैक्ट है किसका, कोई भी वीकेंड पैथोजन का या फिर इनएक्टिव पैथोजन का, ताकि वो अपना पैथोजन अगर डायरेक्टली हम लोग अगर उसको देंगे पैथोजन तो उस कंडीशन में तो वो क्या करेगा, वो डिजीज कॉज कर देगा, बट हम नहीं चाहते कि वो डिजीज कॉज करे, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम उसका हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखकर क्या करे, याद रखकर उसके लिए एंटीबॉडी बना के हमारी बॉडी में रखे। तो फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि इतने पैथोजन हैं और इतना हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा है कि कोई भी इन्फेक्शन जो है कर ही देता है, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से या दूसरों की एक्टिविटीज की वजह से, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये हमारी जो एंटीबॉडीज जो हमारे इम्यून सिस्टम ने बना ली है
वो उसके लिए रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो दीज एंटीजन जनरेट प्राइमरी इम्यून सिस्टम मेमरी बी एंड टी लिम्फो टी सेल्स बना लेंगे। रीअटैक होगा जब सेम पैथोजन सेल का, तब क्या होगा, तब होगा एग्जिस्टिंग जो हमारी मेमरी बी एंड टी सेल्स है वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उस एंटीजन को एंड फाइट करेगी उस एंटीजन से। और वही हम ये बोल रहे हैं कि कैसे करेगी भाई, प्रोडक्शन करेगी लिम्फोसाइट सेल्स का और मोनोसाइट सेल्स का और फेगोसिटिक नेचर हुआ। चलिए पैसिव इम्यूनाइजेशन किसको बोल रहे हैं, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब तो यही हो गया कि इन्फेक्टेड विद द डेडली माइक्रोब टिटनेस और स्नैक बाइट, अगर उसके कोई भी पर्सन है उसको अगर कोई माइक्रोब जो है वो अगर उसको क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ऐसा होता है ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम एंटीबायोटिक वगैरह ले लेते हैं, है ना। तब सेम वैसी ही कंडीशन है, तो पर्सन जो होता है जब उसको इन्फेक्शन करता है, जैसे कोई टिटनेस वगैरह हो गया है ना, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तब हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं या एंटीटॉक्सिन जो होते हैं वो हम ये बोलते हैं एंटीबॉडीज के फॉर्म में हम ये बोल रहे हैं कि वो जब ये टिटनेस का वाला बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एज ए एंटीजन बिहेव करेंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम चाहिएगा कि अब हमारे पास में उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडी हो, तो वो एक्चुअल में हमें मिलेंगे कहाँ से, जब हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक लेंगे। वो एंटीबायोटिक होती क्या है, वो एंटीबायोटिक जो है वो एक तरीके से एंटीबॉडीज ही हैं जो बाहर से हम बोलते हैं बनी बनाई हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस की जाती है। जब वो एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो देन वह बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। और अगर आप ये इस चीज को अगर आप समझेंगे तो एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से उस बैक्टीरिया को किल कर देती है, एंटीबायोटिक का डोज आपको पूरा कंटिन्यू लेना जरूरी है। सल्फा ड्रग के बारे में जब हमने बताया था आपको, तो वहां पे हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद हो, ठीक है। फिर आ जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में पहचानना भूल जाता है। पहचानने भूलने का मतलब ये हो गया कि जैसे वो पहचान नहीं पाता कि ये जो एंटीजन है वो सेल्फ एंटीजन है, ठीक है, या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन है। तो कभी कभी क्या होता है, वो सेल्फ एंटीजन को ही क्या मानने लगता है, फॉरेन एंटीजन मानने लग जाता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एलर्जी, एलर्जी देखिए, अब एलर्जी के बारे में, एलर्जी क्या होती है, अब एलर्जी होती है तब होता क्या है, वही छींकें आती हैं, आंखों में से पानी निकलता है ना, नाक में से पानी निकलने लग जाता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, ऐसा होता है ना, अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है। तो अलग अलग कुछ को, किसी को दूध वगैरह पीने से एलर्जी होती है, एलर्जी कई तरीके से, किसी क्रीम से एलर्जी हो जाती है। तो ये एलर्जी जो होती है, तो एलर्जेंस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, एलर्जेंस किसको बोलते हैं, वो जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि डस्ट है, पोलन है, एनिमल, कोई भी एनिमल जो है ना, इसकी एनिमल की भी हम ये बोलते हैं कि उनके भी बाल वगैरह जो होते हैं, हेयर वगैरह, उनसे भी एलर्जी हो जाती है, तो ये एलर्जेंस होते हैं। अब होता क्या है, एलर्जी जब होती है तो इनके रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या मानने लगता है कि भैया ये तो एंटीजन आ गया, अभी हमारी बॉडी को क्या करना है, उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी है, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट में क्या करता है, सिक्रीशन करना शुरू करता है। किसको रिलीज करता है, एक तो आईजीई एंटीबॉडी को रिलीज करता है, उसके अलावा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को, जो कि क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उसको कॉज कर देते हैं, तभी तो सांस लेने में तकलीफ होती है, म्यूकस रिलीज होने लग जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है जो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो है अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है एलर्जी, और एलर्जी नॉर्मली एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो हमें इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिजीज होती है। चलिए एड्स, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में आपको मालूम है कि ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है, रिट्रोवायरस। ये रिट्रोवायरस जो है वो क्या करता है, वो हमारे अंदर हमारी जो सेल है, सेल के ऊपर, सेल के अंदर प्रेजेंट हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, और उसके साथ में फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड से क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड जो है वो आरएनए बना लेता है, एंड देन वो अपनी ग्रोथ जो है वो शो करने लगता है, क्योंकि ये हमारी जेनेटिकल, यानी जो हमारी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्ट करता है। तो ये एचआईवी बहुत ही हार्मफुल है। अब एचआईवी हमारी, हम बोल रहे हैं कि एंटर करता है, कैसे होता है ये, तो एचआईवी जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस जो होती है वो एक्ट करती है किसकी तरह, एचआईवी फैक्ट्री की तरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत ज्यादा, किसका, एचआईवी का, ठीक है, वायरस का। फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, ये एंटर कर जाती है किसके अंदर, हेल्पर टी सेल के अंदर। अब जो हमारी टी हेल्पर सेल्स हैं उनको फिर क्या करेंगे, ये इन्फेक्टेड हो जाती है तो इनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी किलर टी सेल्स होती है, एनके सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब जब
ये आपकी हेल्पर सेल जो है वो इफेक्ट होती है, तो होता क्या है, ये एनके सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करेगी, तो कमी आ जाएगी किसकी, हेल्पर सेल्स की। हेल्पर सेल्स जब कम हो जाएंगी तो जो होगा क्या, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एड्स, मल्टीपल फिर हमारे अंदर क्या होते हैं, हमें डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, एड्स के बारे में ये देखिए, ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी ने दिया है और उसी चीज को आपको समझाया है। रिट्रोवायरस है, ये ने नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं सेल को इन्फेक्ट किया, वहां करने के बाद में होता क्या, ये वायरल एरएनए जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारी सेल के अंदर। यहाँ पर ये वायरल जो डीएनए है, ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके फिर ये क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, और डीएनए बनाकर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ में। हमारा जब डीएनए क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, तो उसके साथ साथ में इसकी कॉपीज भी रेप्लिकेट होती है, नंबर ऑफ वायरस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से फिर क्या होता है, ये वायरस जो है ये फैलता रहता है। ठीक है, और ये ही वायरस जो है दूसरी सेल्स जो होती है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक क्यों है, आपको पता है, क्योंकि इन्होंने अटैक किसको किया होता है, हेल्पर सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को, और वो बार बार में डिस्ट्रॉय होने की वजह से, उनकी कमी की वजह से इम्यून सिस्टम कम हुआ, इम्यून सिस्टम कम होते हैं बाकी और डिजीज डिसऑर्डर जो है वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया एचआईवी। कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो कैंसर क्या है, कैंसर एक्चुअल में क्या होता है कि भाई इसमें कैंसर जिस एरिया, जिस पार्ट या जिस सेल या जिस टिश्यू को टारगेट करता है वहां पर ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ट्यूमर किसको कहते हैं, रिपीटेटिव सेल जब क्या करती है, अपना डिवीजन स्टार्ट कर लेती है, कंटिन्यू सेल जो है डिवीजन करती रहती है, तो उसकी वजह से मास ऑफ सेल जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो कैंसेरियस सेल्स जो कैंसर वाली सेल्स होती है वो अपनी ग्रोथ बना लेती है, तो उसकी वजह से एक गांठ बन जाती है जिसको हम ट्यूमर बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो बेनिग्न और दूसरा मेलिग्नेटेड। इसमें क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल साइट पे रहता है और उसके हम ये बोल रहे हैं कि ये केवल वहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे ये और हमारे बॉडी पार्ट को इफेक्ट नहीं करता। मेलिग्नेटेड में क्या होता है कि ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड के थ्रू ये सेल्स, और फिर ये क्या करती है, ये सेल्स जो है दूसरे बॉडी पार्ट जो होते हैं वहां पर भी ग्रोथ अपना शो करने लग जाती है। तो मेटास्टेसिस कहते हैं इसको। तो मेलिग्नेटेड कैंसर में होता है क्या, मेटास्टेसिस, यानी कि जो कैंसेरियस सेल्स जो होती है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और वहां जाकर फिर वो क्या करती है, कंटिन्यू अपना डिवीजन स्टार्ट करके एंड देन अपनी ग्रोथ शो करती है और ट्यूमर डेवलप करती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा बाकी के और टिश्यूज जो है वो भी इफेक्ट होते हैं मेलिग्नेटेड में। ठीक है, कॉज कैसे करती है, देखो नॉर्मल सेल्स होती है प्रोटो ऑन्कोजिन सेल्स जो है ये तो क्या करती है, इनहिबिशन शो करती है। ठीक है, जबकि ऑन्कोजिन सेल्स जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो लूज कर जाती हैं, ये सेल डिवीजन जो होता है वो एक्चुअल में इनहिबिट भी होना चाहिए ना, सेल डिवीजन रुकना भी चाहिए, वो अपना सेल डिवीजन जो होती है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें ये इनहिबिशन नहीं होता, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ शो करती है। अनकंट्रोल ग्रोथ यानी कंटिन्यू सेल डिवीजन, तो कंटिन्यू सेल डिवीजन करती है, तो इस तरीके से क्या होती है, कंटिन्यू सेल डिवीजन की वजह से ये हम बोलते हैं कि ट्यूमर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीन हम ये बोले तरह के कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। फिजिकल में कौन आता है, एक्सरेज, गामा रेज आती है। नॉन आयनाइज्ड रेडिएशन में यूवी रेज जो है वो भी कैंसर डिजीज जो है कॉज करती है। केमिकल में आ जाते हैं टोबेको, हम जो भी तंबाकू वगैरह या फिर स्मोक वगैरह करते हैं तो उनकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। बायोलॉजिकल में ओनको वायरस जो है ये क्या करती है, कैंसर जो है उस डिजीज को कॉज करते हैं। कैंसर कैसे, इसका डिटेक्शन कैसे होगा, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो डिटेक्शन के लिए बायोप्सी करवाई जाती है। बायोप्सी एक्चुअल में क्या होता है कि जिस भी बॉडी पार्ट में हमें ट्यूमर नजर आता है हम ट्यूमर को निकालते हैं, और निकालने के बाद में हम उसका टेस्ट करवाते हैं कि क्या वहां पे ये कैंसेरियस सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि यस, ये ट्यूमर जो है वो नॉर्मल ट्यूमर नहीं है, ये एक्चुअल में कैंसर कॉजिंग जो है वो ट्यूमर है। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी का यूज करके भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे रेडियोग्राफी है, MRI करवा के, सीटी स्कैन के थ्रू हम जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर भी अगर कैंसर हो चुका है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, बहुत हैवी डोज जो होते हैं वो ड्रग्स के दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बाल भी झड़ जाते हैं, एनीमिया भी हो जाता है, स्किन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है,
सर्जरी एक है कि ट्यूमर जो है वो सर्जरी के थ्रू जो है उनको रिमूव किया जाए। इसके अलावा रेडियोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन के थ्रू जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको किल करने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो है वो भी इसके अंदर होती है। इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसफर की जाती है, समटाइम ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं जो कैंसर कॉज कर रही है उन सभी को जो है किल करके और उनको उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेम सेल्स जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है, तो वो भी एक ट्रीटमेंट का टाइप है। हाँ, तो फिर इस तरीके से कैंसर जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज के बारे में आप जानते हैं कि ड्रग्स जो है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। स्मोकिंग जो है वो हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसको इफेक्ट करती है। अल्कोहल हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी हैबिट्स हैं जो हमें बहुत हम बोलते हैं कि एक डिजास्टर की तरफ ले जाती है, तो बेटर है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो आज के चैप्टर में इतना ही सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, अब आपको फॉलो अप क्वेश्चंस हैं ये कुछ जिनके आपको मुझे आंसर करके बताने हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कुछ और फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, जो चीजें थोड़ी बहुत हमें समझने के लिए थी उनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज आप मेरे साथ साथ ही, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसके साथ साथ ही आप पूरा का पूरा चैप्टर एक बार अपने बैठ के वापस से रिवाइज जरूर करिए। शायद अब आपके दिमाग में एक अच्छी पिक्चर क्रिएट होगी तो आप उसको कर पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।